ये स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस के थ्रू डुअल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था और हमने हमारी लर्निंग आउटकम क्या थी, इफ़ द फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल इज नॉट ऑप्टिमम देन द कोरस्पॉन्डिंग डुअल विल बी इनफिजिबल, इफ़ द फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल इज ऑप्टिमम देन द कोरस्पॉन्डिंग डुअल विल बी फिजिबल एंड ऑप्टिमम टू द डुअल। तो इस लेक्चर में भी सेम हमने इन्हीं दो स्टेटमेंट्स पे फोकस करना है, लेकिन इस दफ़ा हमने उस सिंप्लेक्स टेबल को यूज़ करते हुए कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन अप्लाई करनी है। तो देखते हैं कि सिंप्लेक्स टेबल का क्या रोल है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन में, या स्लैकनेस कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन का क्या रोल है सिंप्लेक्स टेबल में। मैंने एक प्रॉब्लम वही रेडीमिक्स का लिया, ये आपके पास मॉडल है, मैं इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने लगा हूँ। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड होता क्या है, तो इसलिए हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। आप ऑलरेडी जानते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड कैसे वर्क करता है, तो जस्ट उसको गो थ्रू कर लेते हैं। आपके पास ये मॉडल है और हम टास्क वही है, हमारे पास इसको सॉल्व करने में ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो मिल जाएगा प्राइमल का, तो हम उसका करस्पॉन्डिंग डुअल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। तो इस लेक्चर में सेम वही प्रोसेस होगा जो प्रीवियस लेक्चर में था, लेकिन सिर्फ सिंप्लेक्स मेथड का रोल देखेंगे इसमें, सिंप्लेक्स मेथड का क्या रोल है टू फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द डुअल। तो स्टार्ट करते हैं, ये आपके पास मॉडल है, ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर है कि हम चाह क्या रहे हैं। हमारे पास प्रीवियसली हमने देखा था कि ये मॉडल हमारे पास गिवन था और एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी गिवन था। तो इसमें भी अगर देखें, इसमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो गिवन नहीं है, आपके पास ये मॉडल है, आप उसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हुए ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपके पास ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन आता है तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन क्या कहती है अबाउट डुअल सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द डुअल। ये हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम है, सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैं सिंप्लेक्स मेथड थोड़ा सा ब्रीफ करने लगा हूँ कि इस प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड के जरिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास मॉडल है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, मैक्स जी, जो जी है इन दोनों को इस साइड्स पे ले जाएं, z माइनस 5x1 माइनस 4x2 इक्वल टू 0। इसी तरह सारी कंस्टेंट्स लेस देन इक्वल टू हैं, तो फोर कंस्टेंट्स हैं, फोर स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने फर्स्ट आइट्रेशन की तरफ जाना है, और फर्स्ट आइट्रेशन हम कहते हैं आप स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन लेके आते हैं, आप डिसीजन वेरिएबल्स को ज़ीरो पुट करते हुए। तो एट द स्टार्ट आपके डिसीजन वेरिएबल्स नॉन बेसिक होते हैं, तो आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं x1 x2, तो एट द स्टार्ट आप इनको नॉन बेसिक बनाओगे ज़ीरो, तो इनमें ज़ीरो पुट करेंगे x1 x2 इन सारी फोर इक्वेशंस में, तो आपके पास आएगा u1 = 24। u1 आप इसको टेबल में पुट करोगे, u1 = 24। ज़ीरो पुट करने के बाद u2 = 6, u3 = 1, u4 = 2। और ये जो कंस्टेंट्स हैं ये आपने उसी तरह 6 4 1 0 0 0, 6 4 1 0 0 0, ये इक्वेशन 1 2 0 1 0 0 0, जैसे आप जानते हैं सिंप्लेक्स मेथड में। तो इस सारी कंस्टेंट्स को आपने इधर फिल कर दिया, सॉल्यूशन स्टार्टिंग बेसिक आपका ये मिल गया, और ये जो आपके पास है -5 1, तो ये आपके डिसीजन वेरिएबल x1 x2, और स्लैक वेरिएबल्स हैं, स्लैक वेरिएबल्स u1 u2 u3 u4, तो आपने -5 1 क्वेश्चन है x1 का, तो -5 1 इसके अंडर लिख दिया, -4 आपका क्वेश्चन है x2 का, इसको x2 के अंडर लिख दिया, और जो इसमें मिसिंग है u1 u2 u3 u4, उनके क्वेश्चन को आपने ज़ीरो एज्यूम कर लिया, और आपका स्टार्टिंग सॉल्यूशन क्या है,
एक्स वन एक्स टू ऑब्जेक्टिव वैल्यू जी की, एक्स वन एक्स टू को जीरो पुट करने के बाद जी इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी स्टार्टिंग आइट्रेशन है सिंप्लेक्स मेथड की, आप ऑलरेडी जानते हैं, जस्ट मैंने इसको शॉर्ट वे में आपको बता दिया। तो ये आपकी अगर स्टार्टिंग आइट्रेशन है तो आपका प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन का, तो आप ऑप्टिमेलिटी कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो अगर आपके मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है और z में कोई नेगेटिव कोएफिशिएंट एग्जिस्ट करता है तो ये शो करता है कि ये आपका सलूशन ऑप्टिमम नहीं है। तो इसका मतलब है ये दो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये सलूशन जो आपका स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सलूशन है ये आपका ऑप्टिमम नहीं है। तो आप क्या करते हो, मोस्ट नेगेटिव वेरिएबल को जिसका कोएफिशिएंट मोस्ट नेगेटिव है उसको एंटर करते हो। तो इसमें आपका एंटरिंग वेरिएबल बन जाएगा, क्योंकि माइनस फाइव इज मोर नेगेटिव देन माइनस फोर, तो आप एक्स वन आपका एंटरिंग वेरिएबल होगा। तो आप इधर रेशियो टेस्ट लगाते हो और रेशियो कैलकुलेट कर, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आपने इसकी रेशियो 24 डिवाइड बाई 6, 6 डिवाइड बाई 1, 1 डिवाइड बाई माइनस 1, 2 डिवाइड बाई 0, तो ये आपने उसकी रेशियो कैलकुलेट कर ली। तो इसमें लिविंग वेरिएबल कौन सा होता है, मिनिमम रेशियो का, तो ये नेगेटिव और अनडिफाइंड, इसको आप इग्नोर करते हो। और जो आपके पास पॉजिटिव रेशियोज होती हैं उसमें आप मिनिमम रेशियो को लिविंग वेरिएबल के तौर पे, तो आपका लिविंग वेरिएबल है यू वन, एंटरिंग मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट एक्स वन है, ये एंटरिंग और ये लिविंग। तो आपके अगले सॉल्यूशन में यू वन की जगह पे एक्स वन आ जाएगा। और उसी तरह आप इस पूरी लाइन को, आपका पिवट कौन सा होगा, लिविंग रो और एंट्रिंग कॉलम का जो इंटरसेक्शन है, ये पिवट 6 है, तो इस पूरी को 6 से डिवाइड करते हुए आप ये ले आएंगे, ये आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। और आपने ये 1 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मेंटेन करने के लिए आपको इसके नीचे जीरोस चाहिए और ये जीरोस चाहिए। और आप क्या करोगे, आप इन जीरोस को लाने के लिए रो ऑपरेशंस करोगे, और ये ज़ीरो मेंटेन करने के लिए आप रो ऑपरेशन करोगे जी और ये पिवट रो को कंसिडर करते हुए। ऑलरेडी आप जानते हैं, तो जस्ट हम ये करते हैं कि इसके ऊपर इसको ज़ीरो लाने के लिए रो ऑपरेशन किया जी को, ये रिजल्ट आया, इसको ज़ीरो रखने के लिए रो ऑपरेशन किया ये आपके पास आया, ये यू थ्री, ये रो आपकी कैलकुलेट होगी और ये सारी रोज आपकी कैलकुलेट हो गई। क्यों, आपने ये पिवट रो में वन रखने के लिए जो आपने सिक्स से डिवाइड किया था उसने पिवट रो के कैलकुलेट की, और बाकी आपने इनको जीरो जीरोस लाने के लिए जो रॉ ऑपरेशंस किए उसकी वजह से ये आपका रिजल्ट आ गया। तो ये आपकी सेकंड आइट्रेशन है। सेकंड आइट्रेशन में भी आपने देखना है कि ये सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल है या नहीं, तो आप देखते हो जी रो को, तो जी रो को जब आपने देखा इसमें अभी भी नेगेटिव कोएफिशिएंट है, आपका उस वक्त तक ऑप्टिमेलिटी नहीं आएगी जब तक के जी में सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव ना हो जाए। तो ये अभी भी नेगेटिव है, इट मींस अभी भी ये आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो अगेन आप मोस्ट नेगेटिव को एंटरिंग करते हो, एक ही नेगेटिव है, तो आपका एक्स टू एंटरिंग वेरिएबल होगा, और आप इस कॉलम का इस सॉल्यूशन के साथ रेशियो कैलकुलेट करोगे, 4 डिवाइडेड बाय ये आपका जो कॉलम एंटरिंग है 2/3, 2 डिवाइड बाई 4/3, 5 डिवाइड बाई 5/3, 2 डिवाइड बाई 1, तो आपके पास रेशियो कैलकुलेट होगी। तो आप मिनिमम रेशियो, ये 2 है, ये 3 है, ये 6, तो मिनिमम रेशियो लिविंग वेरिएबल होता है, तो ये आपका मिनिमम रेशियो है, तो मिनिमम ये आपकी लिविंग रो होगी, और आपका कौन सा वेरिएबल लिव करेगा, y2, एंटर कौन सा होगा, x2, तो x2 को एंटर करें y2 की जगह पे, तो ये देखें y2 की जगह पे x2, अब आपका एंटरिंग कॉलम और लिविंग रो का इंटरसेक्शन ये बनता है, ये आपका पिवट है, इधर 1 लेके आने तो 4/3 से पूरी रो को डिवाइड कर देंगे, ये आपका 1 आ गया अगली आइट्रेशन में, और इसके ऊपर नीचे आपने जीरोस लेके आने, इवन ऑब्जेक्टिव रो में भी आपने ज़ीरो लेके आने, इसके लिए आप रो ऑपरेशंस लगाएंगे और आपके पास ये पूरी की पूरी आइट्रेशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये मैंने ब्रीफली आपको बता दिया, ऑलरेडी आप जानते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड कैसे वर्क करता है। तो ये जब आपने ये आइट्रेशन कैलकुलेट कर ली, तो आपने देखना है कि ये सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल है या नहीं। आप जीरो को देखेंगे, तो इस रो को अगर आप देखें इसमें कोई भी नेगेटिव कोएफिशिएंट नहीं है,
तो नेगेटिव क्वेश्चन ना होने का मतलब है कि आपकी ऑप्टिमेलिटी अचीव हो चुकी है, आपका ये जो सोल्यूशन है X1, X2, U3, U4 ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ये सिंपलेक्स मेथड बताते हैं। तो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा, X1 इक्वल टू 3, X2 इक्वल टू 3/2, U3 इक्वल टू 5/2, U4 इक्वल टू 1/2। ये वही सोल्यूशन है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सपोज किया था कि ये ऑप्टिमल टू द प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैंने सेम लिया था तो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। तो यही सोल्यूशन हमने सपोज किया था कि X1 3 है, X2 आपका 1.5 है और U3 U4 भी हमने पॉइंट्स में उधर लिए हुए थे। तो ये आपका सिंप्लेक्स मेथड से आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है, आपने इधर से पिक कर लिया, आपका X1 3, X2 3/2, U1 और U3 मिसिंग है, मींस नॉन बेसिक हैं, वो ज़ीरो होंगे, वो भी लिखने हैं आपने। और U3 आपका 5/2, U4 आपका 1/2, ये इधर लिख दिया। और ऑब्जेक्टिव वैल्यू आपकी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव वैल्यू आपकी जी इक्वल टू ये 21। तो जो ऑप्टिमल आइट्रेशन जिसमें जिस आइट्रेशन में आपकी ऑप्टिमलिटी अचीव हुई है, उस आइट्रेशन में जो जी की वैल्यू है वो ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव वैल्यू है और ये जो ये सोल्यूशन वैल्यू है। तो आपने कंप्लीट सोल्यूशन लिख दिया, X1, X2, U1, U2 ज़ीरो है, U3, U4 इधर से आपने देख के लिख लिया, ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अब वही प्रोसेस कि आपका ये प्राइमल प्रॉब्लम था, इसमें आप ऑप्टिमेलिटी अचीव कर चुके हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट वही आपका सेम वही प्रॉब्लम है, आपने इसका करस्पॉन्डिंग डुअल कैलकुलेट करना है यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू सिंपली कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वी एंड वाई एंड यू। तो एक्स की मैपिंग वी के साथ है और वाई की मैपिंग यू के साथ है। तो ज़रा आप देखें, ये जो X1 X2 है इसकी मैपिंग है V1 V2 के साथ। तो आपका X1 मैप करता है V1 के साथ, इसकी मैपिंग V1 के साथ, X2 की V2 के साथ, ये आपने याद रखना है, U1 की Y1, U2 Y2, U3 Y3, U4 Y4। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन ये आपको मैपिंग प्रोवाइड करती है। अब आपके पास ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, आपके पास प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन मौजूद है और ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी आपके पास 21 गिवन है। तो हमने देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन के थ्रू कैसे हम बता सकेंगे कि डुअल सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है, डुअल सॉल्यूशन का स्टेटस क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि ये X1 है, इसकी मैपिंग किसके साथ है, डुअल स्लैक V1 के साथ, इसकी मैपिंग किसके साथ है, V2 के साथ अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस, इसकी मैपिंग U1 है Y1 के साथ। तो X1 की जो मैपिंग है इसी कॉलम के नीचे बॉटम रो में हम इनकी मैपिंग को डिफाइन कर लेते हैं। तो X1 कॉलम है, इसकी मैपिंग है V1 के साथ, ये V1 मैंने X1 कॉलम में बॉटम पे V1 लिख दिया ताकि ये पता चल सके X1 की मैपिंग V1 के साथ है। तो X2 की किसके साथ मैपिंग है, V2, तो इधर क्या आएगा, V2। U1 की मैपिंग Y1 के साथ है, Y1, और कॉलम में U2 कॉलम है ये, इसकी मैपिंग होगी Y2 के साथ। ये कॉलम है Y3, इसकी मैपिंग Y3 के साथ, U4 की मैपिंग Y4 के साथ। जब आपने ये मैपिंग डिफाइन कर ली तो अब आप आसानी से डुअल बता सकते हैं। तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस ऑप्टिमल आइट्रेशन को उठा रहा हूँ, ये तो पूरा टेबल सॉल्व करके दिखाया आपको, मैं सिर्फ अगली स्लाइड में सिर्फ इस ऑप्टिमल आइट्रेशन को नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ। तो ये मेरे पास ऑप्टिमल आइट्रेशन ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम, मैंने वो ऑप्टिमल आइट्रेशन इधर रीराइट कर दी। तो X1 की मैपिंग V1, X2 V2, U1 Y1, U2 की Y2 के साथ, U3 की Y3 के साथ, U4 की Y4 के साथ। और ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम कैलकुलेट कर चुके थे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल, ये ऑब्जेक्टिव वैल्यू जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम। अब देखें, आपके पास ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये आ चुका है और कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन क्या कहती थी, प्रीवियसली हमने क्या किया था, एक वे तो हमारे पास है, वन वे टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द डुअल इज
राइट द ड्यूअल, पिछली स्लाइड पिछली पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, राइट द ड्यूअल एंड देन सॉल्व द ड्यूअल इक्वेशंस बाय पुटिंग v1 v2 y3 y4 इक्वल टू जीरो। ये जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस के जरिए हमें पता चला था कि v1 v2 जीरो हैं, क्यों, ये बेसिक हैं तो v1 v2 जीरो होंगे, ये बेसिक हैं तो y3 y4 जीरो होंगे। तो ये हमने इक्वेशंस में पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया था, हमने कहा यानी इनको जीरो जीरोस को पुट करने के बाद y1 y2 कैलकुलेट किया और हमने कहा ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है डुअल का, जिसमें y1 जो कैलकुलेट हुआ वो, y2 जो हमने कैलकुलेट किया वो, और ये v1 v2 y3 y4 इक्वल टू जीरो। ये तो हमने एक वे तो ये है आपका डुअल को कैलकुलेट करने का, डुअल का स्टेटस बताने का। लेकिन अब हम क्योंकि इसमें सिंप्लेक्स टेबल यूज़ कर रहे हैं, द अदर वे टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द डुअल इज, इसमें क्या होगा, यू कैन राइट द डुअल डायरेक्टली फ्रॉम द जीरो। अब हमें सॉल्व इसको इनके वेरिएबल्स को, ये जीरोस को देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इनको उस डुअल प्रॉब्लम की इक्वेशंस में पुट करने की ज़रूरत है और वहाँ से y1 y2 कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, बल्कि हमें डुअल डायरेक्टली जीरो के अंदर मिलेगा। तो आप देखें ये करस्पॉन्डेंस तो हमने कर दी, x1 v1 x2 v2 ये सारा तो बता दिया, आपका डुअल सॉल्यूशन ये जी में पड़ा हुआ है जहाँ तक इसको रीड करने का ताल्लुक है। तो क्या करना है, जस्ट इधर से पिक कर लें, ये आपका डुअल सॉल्यूशन है। तो जहाँ तक जीरो है, ये डुअल में किसकी वैल्यू है, v1 की, क्योंकि x1 की करस्पॉन्डेंस ये मैपिंग हमने इसलिए की थी, ये v1 ये शो कर रहा है कि ये जो जी में जीरो के अंदर जीरो है ये v1 की वैल्यू है, ये जो जीरो है ये v2 की वैल्यू है, 3/4 ये y1 की वैल्यू है, 1/2 y2 ये जीरो y3 का है और ये जीरो y4 का है। तो आप इसको सीधा इधर से पिक कर लें, 0 0 v1 0 v2 0 v1 0 v2 0 y1 3/4 y2 1/2 y1 3/4 y2 1/2 y3 0 y4 0 y4 0 और इनको अगर आप y1 और y2 को डुअल प्रॉब्लम में पुट करेंगे, डुअल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो आपका w star 21 निकलेगा सेम उसी तरह। तो अब आप कह सकते हैं कि सिंप्लेक्स टेबल को अगर यूज़ करें तो आपकी ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको सिंप्लेक्स टेबल ने दिया, ये सॉल्यूशन कॉलम में आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल पड़ा हुआ है और इसी ऑप्टिमल आइट्रेशन की जो जी रो है इस रो के अंदर आपका डुअल सॉल्यूशन पड़ा है। तो इसको जस्ट पिक करें और उनकी वैल्यूज इस मैपिंग के साथ उनको डेजिग्नेट कर दें तो आपके पास ये डुअल सॉल्यूशन डायरेक्टली, तो यू कैन राइट द डुअल डायरेक्टली फ्रॉम द जी रो। आप कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन भी वेरीफाई कर सकते हैं, वो सेम उसी तरह है जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, x1 3 इसका करस्पॉन्डिंग v1 0, x2 3/2 तो आपको इधर भी नज़र आ रहा होगा। तो ये मैंने प्राइमल सॉल्यूशन लिखा, ये वाला इधर लिख दिया और डुअल सॉल्यूशन को मैंने इसके नीचे लिख दिया, करस्पॉन्डेंस उसी तरह जिसकी मैपिंग जिसके साथ है वो ऊपर नीचे लिखा। तो आप देखें ये बेसिक है ये नॉन बेसिक, ये बेसिक है तो ये नॉन बेसिक, ये नॉन बेसिक है तो करस्पॉन्डिंग डुअल डिसीजन वेरिएबल विल बी बेसिक, प्राइमल स्लैक जीरो है तो डुअल डिसीजन बेसिक, ये प्राइमल स्लैक बेसिक है तो डुअल डिसीजन जीरो। तो आप देखेंगे तो ये एक इन में से एक जीरो है तो इसका मतलब है ओवरऑल ये प्राइमरी ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन है ये वेरीफाई हो रही है जीरो, क्योंकि ये हर इंडिविजुअल टर्म जीरो है। तो आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन वेरीफाई हो रही है। तो अगेन आपने अचीव क्या किया, लर्निंग आउटकम क्या है, वही पहले वाली जो प्रीवियस लेक्चर में था, इफ़ द प्राइमल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम देन द करस्पॉन्डिंग डुअल विल बी फिजिबल एंड ऑप्टिमम। यानी आप कह सकते हो अगर आपका ये सॉल्यूशन आपने लिया, डुअल आपका अगर फिजिबल है, अगर ये डुअल फिजिबल है तो समझ लें ये भी ऑप्टिमम है,
ये तो हमें पता चल गया, ये ऑप्टिमम कैसे था कि इधर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो नेगेटिव वैल्यू ना होने का मतलब है ये ऑप्टिमम टू द प्राइमल है, और ये नेगेटिव ना होने का मतलब है ये फिजिबल सॉल्यूशन है आपका ड्यूअल प्रॉब्लम का। तो ड्यूअल प्रॉब्लम में अगर फिजिबल सॉल्यूशन आ जाए, तो इस हाइड्रेशन में जो फिजिबल सॉल्यूशन, तो फिजिबल सॉल्यूशन ये शो कर रहा है कि ये ऑप्टिमल का, ऑप्टिमल प्राइमल का कोरिस्पॉन्डिंग ऑप्टिमल ड्यूअल है। तो आप कह सकते हैं फिजिबल सॉल्यूशन अगर आपका प्राइमल का ऑप्टिमम है तो कोरिस्पॉन्डिंग ड्यूअल विल बी फिजिबल एंड ऑप्टिमम। तो सेम अगला स्टेप भी उसी तरह वेरीफाई कर लेते हैं जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। वहाँ हमने ये देखना है कि अगर आपका फिजिबल सॉल्यूशन प्राइमल का ऑप्टिमम नहीं है तो ड्यूअल सॉल्यूशन का क्या स्टेटस होगा। तो उसमें हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि अगर हमारा प्राइमल सॉल्यूशन फिजिबल है लेकिन ऑप्टिमम नहीं है तो ड्यूअल इनफिजिबल था। तो ज़रा चेक करते हैं। सेम इसी तरह मैंने वो पूरा रिजल्ट ले लिया जो हमने सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये हम हमारा ऑप्टिमल था और हमारा ड्यूअल ऑप्टिमम का है ये पड़ा हुआ है। और अब हम सपोज करते हैं इस हाइट्रेशन को। इस हाइट्रेशन में हमारा सोल्यूशन क्या है, एक्स वन यू टू यू थ्री यू फोर, ये बेसिक है। और एक्स वन की वैल्यू क्या है, फोर, यू टू टू, यू थ्री फाइव, यू फोर टू। तो ये हमारा जो बेसिक सोल्यूशन है, सेकेंड लास्ट आइटेशन है। क्या ये ऑप्टिमल है या नहीं, हम जी रो को देखेंगे। तो जीरो में देखेंगे एक नेगेटिव कोएफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस ये ऑप्टिमल नहीं है। अगर ये ऑप्टिमम नहीं है तो ड्यूअल हमारा कहाँ पे है और उसको क्या कहेंगे। तो हम उसी तरह, मैंने इसी आइट्रेशन को सेपरेट लिख रहा ताकि समझने में आसानी हो। तो मैं इस सेकेंड आइट्रेशन को पिक करके अगली स्लाइड में ले गया। ये आपके पास स्लाइड है, ये आपके पास सेकेंड लास्ट जो आइट्रेशन थी, ये सोल्यूशन था, ये ऑप्टिमम नहीं है क्योंकि आपकी जी रो में एक नेगेटिव कोएफिशिएंट है। तो ये ऑप्टिमम नहीं है, फिजिबल है लेकिन वो ऑप्टिमम नहीं है, ये प्राइमल सोल्यूशन है। तो ड्यूअल कहाँ से, ड्यूअल हम जी रो से पिक करते हैं, ये हमारा ड्यूअल है। तो आप देखें ड्यूअल आपका फिजिबल नहीं है। तो इस सॉल्यूशन में देखें एक वेरिएबल अगर नेगेटिव है, मैं इसको इधर से बताता हूँ। ये मैपिंग कर दी उनकी मैंने, x1 की v1 के साथ, x2 की v2 के साथ। ये मैपिंग अगर हम करके देखते हैं तो ये हमारे पास, इसको मैंने पिक किया, ये x1 4, x2 मिसिंग है, x2 0, u1 मिसिंग, u1 0, u2 2 है, u2 2, u3 5, u4 2, और ऑब्जेक्टिव वैल्यू मैंने ली 20। तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है क्योंकि अब जो अब जीरो है उसमें एक कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो ये सॉल्यूशन अगर ऑप्टिमम नहीं है तो हमने ड्यूअल के बारे में देखना है कि ड्यूअल क्या होगा। तो ड्यूअल हमने इस पूरी रो को इधर से पिक कर लिया और डेजिग्नेट क्या किया, वाई वन 5/6 है, वाई टू 0, y3 0, y4 0, y2 0, y3 0, y4 0, और v1 क्या है 0, v2 -2/3, और w क्या है। इस 5/6 को आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर ड्यूअल में पुट करेंगे तो आपको ये w वहां से कैलकुलेट हो जाएगा, ये 20। तो आपने क्या देखा, ये जो सोल्यूशन है ये इनफिजिबल है। आपकी एक वैल्यू, ये जो स्लैक वेरिएबल है इसका ड्यूअल का, ये नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू मीन इनफिजिबल। तो वही चीज़ वेरीफाई हो गई। हम कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगा के भी देख सकते हैं कि ये आपका जो सोल्यूशन है, ये मैंने प्राइमल लिखा, जो बेसिक वेरिएबल्स थे और जो नॉन बेसिक उनको भी लिस्ट आउट कर दिया, और इसको उठा लिया ड्यूअल को, ये ड्यूअल आ गया। और कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन जब वेरीफाई की तो ये देखें बेसिक नॉन बेसिक, नॉन बेसिक बेसिक, तो ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन भी वेरीफाई हो रही है। और जब हमने ड्यूअल का, ड्यूअल की वैल्यूज ड्यूअल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लेस की तो वो 20 आई। तो अब हम देख रहे हैं जी और डब्ल्यू अभी भी 20 है। तो आप कह सकते हो कि अगर आपका प्राइमल सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो ड्यूअल क्या होगा, फिजिबल। ये हम वैसे भी देख सकते हैं,
यहां से भी हम कह सकते हैं, देखें ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल डेफिनेटली इस रो के अंदर सारे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, कोई भी नेगेटिव नहीं होगी, तभी ये ऑप्टिमल डिक्लेयर हुआ है ना। तो इस ऑप्टिमल प्राइमल पे ये जो ड्यूअल सॉल्यूशन इधर से पिक करेंगे वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यानी फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। इसके फिजिबल सॉल्यूशन होने का मतलब यही है कि ये ऑप्टिमम प्राइमल की जो ऑप्टिमम आइट्रेशन है उसकी ये जीरो है, तो इसका ऑप्टिमम अचीव हुआ है इसकी पॉजिटिव वैल्यूज के साथ। तो अगर प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन है तो ड्यूअल भी ऑप्टिमम होगा, जबकि पिछली सारी कंस्ट्रेंट्स आप चेक कर सकते हैं, ये जो सारी आइट्रेशंस, इस आइट्रेशन में अगर आप देखते हैं तो ये नॉन ऑप्टिमम है बिकॉज ऑफ नेगेटिव कोएफिशिएंट इन द जीरो। तो ये नॉन ऑप्टिमम है, फिजिबल है प्राइमल, फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल बट नॉट ऑप्टिमम, क्योंकि इसकी वजह से है। तो इसका ड्यूअल सॉल्यूशन हमने जी से पिक करना है, तो जाहिर है ये नॉन ऑप्टिमम उसी नेगेटिव की वजह से है। तो ये जी रो के अंदर जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन पड़ा है, जो ड्यूअल का सॉल्यूशन हम कहते हैं, वो इनफिजिबल होगा। अब एक ही आइट्रेशन आपकी ऑप्टिमम होती है, उसी में आपको ये सारे पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स आएंगे, तो आप कह सकेंगे ये ऑप्टिमम आइट्रेशन में प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो होगा उसी की जीरो में फिजिबल सॉल्यूशन आपको मिलेगा ड्यूअल का। बाकी सारी आइट्रेशंस में आपके ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं होंगे और आपकी जी में एटलीस्ट वन कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा। इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि अगर आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्राइमल का जो सॉल्यूशन है वो अगर ऑप्टिमम नहीं है तो उसका करस्पॉन्डिंग ड्यूअल इनफिजिबल होगा, ऑप्टिमम नहीं है करस्पॉन्डिंग इनफिजिबल होगा। हम फॉर द टाइम यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम अल्टरनेटिव ऑप्टिमा को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें तो ये स्टेटमेंट दी जा सकती है कि अगर ये आपका ऑप्टिमम है तो इसका जीरो में जो ड्यूअल सॉल्यूशन होगा वो भी ऑप्टिमल होगा, और अगर ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है प्राइमल का तो ड्यूअल इनफिजिबल होगा। अल्टरनेट ऑप्टिमम को भी अगर शामिल कर लें तो स्टेटमेंट यही सेम ही रहेगी। तो अब हमने देखा क्या है, वही लर्निंग आउटकम वही है, इफ फिजिबल टू द प्राइमल इज ऑप्टिमम देन करस्पॉन्डिंग ड्यूअल विल बी फिजिबल एंड ऑप्टिमम, इफ द फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल इज नॉट ऑप्टिमम देन करस्पॉन्डिंग ड्यूअल सॉल्यूशन विल बी इनफिजिबल। सेम वही है जो प्रीवियस लेक्चर में था, जस्ट एक चीज हमने देखी कि अगर आपके पास ये प्राइमल प्रॉब्लम है, आप उसको सिंपलेक्स टेबल से सॉल्व करते हो तो ड्यूअल के लिए अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। आप सिंपली मैपिंग करेंगे, यानी ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है प्राइमल का तो आपका ड्यूअल ऑप्टिमल इधर पड़ा हुआ है, ये आपका नॉन ऑप्टिमम प्राइमल का सॉल्यूशन है, इसका करस्पॉन्डिंग ड्यूअल इनफिजिबल इधर पड़ा हुआ है। तो डायरेक्टली आपकी उस उन रो से आप पिक कर सकते हैं, आपको हेल्प कर रही है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। सेम अब हम करते हैं, अगर हमारा सॉल्यूशन ये है कि ये आपके पास प्राइमल है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपका निकल आएगा। क्या हम अगर हमारे पास ड्यूअल है इसका, तो ड्यूअल को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हुए क्या कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से बैकवर्ड x1 और x2 को कैलकुलेट किया जा सकता है? आंसर इज यस। यानी पहले हमने क्या किया था, ये हमारे पास गिवन है, आपने इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया, इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकल आया प्राइमल का, उसमें से आपने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस के जरिए ड्यूअल सॉल्यूशन कैलकुलेट किया। लेकिन अब हम इसको रिवर्स करने लगे हैं, हम सपोज कर रहे हैं कि इस प्राइमल का ये ड्यूअल हमारे पास मौजूद है, हम इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे और ऑप्टिमम सॉल्यूशन सिंप्लेक्स मेथड इसका बता देगा, और उस सिंप्लेक्स टेबल से हम उसी तरह जैसे पहले एक्सट्रैक्ट की थी ड्यूअल सॉल्यूशन की वैल्यूज, तो इधर हम प्राइमल सॉल्यूशन की वैल्यूज भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये मैंने ड्यूअल सॉल्यूशन लिया, ड्यूअल प्रॉब्लम लिया, ड्यूअल क्योंकि ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट, ये उसी का ड्यूअल है जो मैंने पहले प्राइमल प्रॉब्लम लिया था, तो ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट्स है,
इसको बैलेंस किया, एम टेक्निक लगेगी, पहले नेगेटिव स्लैग इंट्रोड्यूस किए, फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए और इसकी पेनल्टी भी पे कर दी। और आप जानते हैं कि आप एम टेक्निक से प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड के जरिए कैसे, तो हम ड्यूअल को सॉल्व कर रहे हैं बाय सिंप्लेक्स मेथड। तो मैंने इसको स्टार्टिंग बेसिक सॉल्यूशन लिया, तो इसमें आपको पता है सिंप्लेक्स मेथड्स में आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं स्टार्ट पे, इधर -100 -100 जो पेनल्टी हम लगाते हैं। तो R1 R2 बेसिक वेरिएबल्स हैं, इनके कोएफिशिएंट z में ज़ीरो होने चाहिए, ज़ीरो नहीं है तो पहले उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो एक इस रो के साथ रो ऑपरेशन लगा के इधर ज़ीरो लेके आएंगे, तो जस्ट एक ZW रो नहीं कैलकुलेट की, एक रो ऑपरेशन, क्योंकि हम चाह रहे हैं R1 और R2 के कोएफिशिएंट 0-0 हों। तो इसको ज़ीरो लाने के लिए एक ऑपरेशन लगाया, ये कैलकुलेट की, अभी ये भी ज़ीरो है क्योंकि R1 तो कोएफिशिएंट 0 आ गया, R2 अभी भी -100 है। इसको ज़ीरो लाने के लिए इस रो के साथ रो ऑपरेशन लगाया और इसको ज़ीरो कर लिया, और अब हमारा प्रॉब्लम रेडी है, आपका ये प्रॉब्लम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने। क्यों? आपका प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है, तो सारे वेरिएबल्स आपके नेगेटिव होने चाहिए, कोएफिशिएंट सॉरी जी डब्ल्यू रो में सारे कोएफिशिएंट आपके क्या होने चाहिए, नेगेटिव। तो मिनिमम प्रॉब्लम में एंट्रिंग वेरिएबल ज़ाहिर है ये इसमें 976 और 294 पॉजिटिव हैं, इट मीन्स एंट्रिंग वेरिएबल मोस्ट पॉजिटिव लेते हैं इस केस में। तो ये आपका एंट्रिंग वेरिएबल होगा मोस्ट पॉजिटिव, और उसी तरह रेशियो आप कैलकुलेट करोगे, मिनिमम रेशियो ये है, तो ये R1 लीव होगा और Y1 एंटर होगा। इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अभी भी इस लेक्चर में भी हम इसको डिफाइन कर चुके हैं, तो हम इसको एंट्रिंग Y1 और लीविंग R1, तो ये एक नई रो नई आइट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे, अगेन W रो को देखेंगे, तो अभी भी दो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, बल्कि तीन हैं, तो हमने फोर है, फोर पॉजिटिव वैल्यू, हमने उस वक्त स्टॉप करना है, वो ऑप्टिमलिटी उस वक्त रीच होगी जब ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो इट मींस इन 1-3 में मोस्ट पॉजिटिव 161 है, ये एंट्रिंग होगा, और लीविंग अगेन आपका R2 लीव हो रहा है, एंट्रिंग आप इसको, मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा, तो हमने इसको ये नई आइट्रेशन कैलकुलेट की, नई आइट्रेशन में अभी भी आपके पास 1 और 2 पॉजिटिव हैं, तो मोस्ट पॉजिटिव इसमें 2 है, इसको एंट्रिंग करेंगे Y2 और अगेन कैलकुलेशन करेंगे, तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। जब ये सोल्यूशन आया तो आप देखें तमाम W रो में सारे कोएफिशिएंट आपके नेगेटिव हैं, तो सारे नेगेटिव कोएफिशिएंट ये शो कर रहे हैं कि आपकी ऑप्टिमलिटी अचीव हो गई है इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन। इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन था सारे पॉजिटिव कोएफिशिएंट आते थे, तो मिनिमाइजेशन में सारे नेगेटिव आने का मतलब है ऑप्टिमलिटी अचीव होगी। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारा डुअल प्रॉब्लम को क्योंकि हम सॉल्व कर रहे थे, तो आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा Y1 0.75, Y2 0.5, ये सेम वही है जो प्रीवियस हमने सॉल्व किया था, इधर पॉइंट्स में है, उधर वो फ्रैक्शन में था। तो Y1 Y2 ये वैल्यूज़ हैं, इसमें Y3 और Y4 मिसिंग हैं, वो ज़ीरो होंगे, और इसके स्लैक वेरिएबल जो नेगेटिव स्लैक हैं V1 V2 वो भी मिसिंग है, वो भी ज़ीरो होंगे। तो आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन अगर आप इसको डुअल को लेंगे तो ये आएगा, यानी Y1 0.75, Y2 0.5, Y3 मिसिंग ज़ीरो नॉन बेसिक है, Y4 मिसिंग है नॉन बेसिक ज़ीरो, V1 V2 भी मिसिंग है, तो ये ज़ीरो, क्योंकि आपके डुअल प्रॉब्लम में टोटल वेरिएबल्स आपके थे ये 4 डिसीजन वेरिएबल्स और 2 स्लैक वेरिएबल्स, तो आपका आंसर उसी तरह 2 आपके ये बेसिक वेरिएबल्स हैं और 4 आपके नॉन बेसिक वेरिएबल्स आ गए। जहाँ तक सेम उसी तरह हमने इस ऑप्टिमल आइट्रेशन को लेते हैं और देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन हमें क्या हेल्प करती है। तो ये मैंने ऑप्टिमल आइट्रेशन उठा ली, इसकी मैपिंग उसी तरह Y1 की मैपिंग हम क्या करना चाह रहे हैं, डुअल सॉल्यूशन हमारे पास है, हम कॉम्प्लीमेंट्री से करस्पॉन्डिंग प्राइमल सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं। तो उसी तरह ये डुअल वेरिएबल्स हैं, आपने इनकी करस्पॉन्डेंस बनानी है प्राइमल के साथ, तो Y1 की प्राइमल स्लैक के साथ U1, Y2 U2 के साथ, Y3 U3, Y4 U4, और V1 जो डुअल स्लैक है उसकी करस्पॉन्डिंग प्राइमल
डिसीजन वेरिएबल एक्स वन के साथ है, वी टू की एक्स टू, ये क्योंकि डिसीजन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं, इनके नीचे मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप कह सकते हो कि आपका ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपका है जो इधर से नज़र आ रहा है, ये आपका है डुअल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन, और प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन आप डब्ल्यू रो से उठाओगे, और डब्ल्यू रो में क्योंकि सारी एंट्रीज नेगेटिव हैं, मिनिमाइजेशन में मैक्सिमाइजेशन में था, हमने पूरी की पूरी ज़ीरो एज इट इज़ उठा ली थी, जबकि मिनिमाइजेशन में रूल ये है कि ये जो ज़ीरो है इस पूरी सॉरी डब्ल्यू रो है, इस पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे आप कहेंगे कि ये आपके प्राइमल वैल्यूज़ हैं, यानी आप कह सकते हैं इस पूरी रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा, ज़ीरो ज़ीरो रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2.5, पहले माइनस था, माइनस से मल्टीप्लाई करें 2.5, ये माइनस 0.5 है तो ये 0.5, 3, 1.5, 95, 97, 98.5, आपने इस पूरी डब्ल्यू रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपका प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। तो प्राइमल सॉल्यूशन क्या बनेगा, एक्स वन ये मल्टीप्लाई करके 3 हो चुका है, एक्स वन 3, एक्स टू 1.5, यू वन 0, यू टू 0, यू थ्री 2.5, यू फोर 0.5, ये आपका जो सॉल्यूशन है प्राइमल का करस्पॉन्डिंग आपने डुअल सॉल्यूशन से के आइट्रेशन से एक्सट्रैक्ट किया, ये होगा। सिर्फ एक चेंज है, आपने ये कैसे कैलकुलेट करना है, ऑब्टेंड फ्रॉम ये ज़ीरो लिखा है डब्ल्यू रो भी, ऑब्टेंड फ्रॉम डब्ल्यू रो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई माइनस वन बिकॉज ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये आपका आ गया। तो कहने का मकसद ये है, ये आपका डुअल सॉल्यूशन ऑप्टिमल है तो आपका जो करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू रो से आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके जो उठाया वो भी ऑप्टिमम होगा। सिमिलरली आप इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन भी वेरीफाई करके देख सकते हैं, वाई वन बेसिक करस्पॉन्डिंग यू वन नॉन बेसिक, वाई टू बेसिक वाई टू यू टू ज़ीरो, वाई थ्री ज़ीरो नॉन बेसिक करस्पॉन्डिंग यू थ्री बेसिक बेसिक, वाई फोर नॉन बेसिक करस्पॉन्डिंग यू फोर बेसिक। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगाएं तो ये भी ज़ीरो के इक्वल होगी, और आप इसको अगर आप थ्री एक्स वन थ्री और एक्स टू 1.5 को प्राइमल की ऑब्जेक्टिव इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको z आपका 21 जो इधर w 21 आ रहा है तो आपका z भी 21 आएगा। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया, तो आपका ये हाँ सॉरी अभी ये तो हमने देखा कि अगर ये ऑप्टिमम है तो ये भी ऑप्टिमम होगा माइनस से मल्टीप्लाई करके, लेकिन रिमेनिंग इन सॉल्यूशंस के बारे में क्या बात है। तो ये डुअल सॉल्यूशन अगर आपका ये नॉन ऑप्टिमम है क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो इसके बारे में क्या स्टेटमेंट है, तो यही चीज़ हम देखने लगे हैं। ये मैंने वो इटरेशन ली है सेकंड लास्ट जो कि जिसका सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है, तो क्यों, इसमें ये और ये पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स है तो इसका मतलब है ये ऑप्टिमम नहीं है। तो डुअल सॉल्यूशन वाई वन ये, वाई टू ज़ीरो, वाई थ्री ये, वाई फोर ज़ीरो, ये आपका डुअल सॉल्यूशन है जो कि ऑप्टिमम नहीं है, आप टेबल के ज़रिए भी देख सकते हैं। इस नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन की जो करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन होगा इधर का जो हम माइनस साइन के साथ अप्लाई करके निकालेंगे वो क्या होगा, ज़ीरो माइनस टू, ज़ीरो माइनस वन, ये टू रह जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थ्री 98, 97। इसमें देखें ये मैंने इधर लिख दिया, एक्स वन माइनस टू है, माइनस का मल्टीप्लाई करके टू, एक्स टू थ्री हो जाएगा, यू वन ज़ीरो, यू टू माइनस के साथ माइनस टू, यू थ्री ज़ीरो, यू फोर माइनस वन। तो आप देखें अगर आपने ये नॉन ऑप्टिमम लिया है डुअल का सॉल्यूशन तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर जो डुअल पिक जो प्राइमल पिक किया आपने वो इनफिजिबल है, ये देखें माइनस माइनस, तो अगर एक भी माइनस हो तो वो इनफिजिबल होता है। तो सेम वही स्टेटमेंट अभी भी फुलफिल हो रही है कि अगर आपका ये सॉल्यूशन
ऑप्टिमम है, नॉन ऑप्टिमम है, तो करस्पॉन्डिंग जो इधर से पिक करेंगे माइनस साइन के साथ, जो प्राइमल सॉल्यूशन होगा वो इनफिजिबल होगा। तो सेम आप देख सकते हैं, ये आपका सॉल्यूशन मैंने अभी बताया आपको, नॉन ऑप्टिमम ड्यूअल माइनस साइन के साथ इनफिजिबल प्राइमल, ये आपका नॉन ऑप्टिमम ड्यूअल माइनस साइन के साथ अप्लाई करें तो ये माइनस इनफिजिबल प्राइमल, नॉन ऑप्टिमम टू द ड्यूअल माइनस साइन अप्लाई करें माइनस दिस माइनस इनफिजिबल प्राइमल। तो आप जितनी भी आपकी आइट्रेशन है जो कि जिसमें सॉल्यूशंस ड्यूअल के नॉन ऑप्टिमम हैं, उन सब के करस्पॉन्डिंग ड्यूअल इनफिजिबल है। सिर्फ उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका जो ड्यूअल है उसकी करस्पॉन्डिंग जो आपका प्राइमल सॉल्यूशन होगा वही ऑप्टिमम होगा। आई थिंक आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली होगी, वही चीज़ें हमने वेरीफाई की। तो इससे एक चीज़ और पता चलती है जी, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है और आप X1 और X2 ऑप्टिमम सॉल्यूशन सिंपलेस्ट टेबल से सॉल्व कर सकते हैं, और इसी टेबल के अंदर आप ड्यूअल के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जाहिर है हमारी इंटरेस्ट ऑप्टिमल पे होती है तो इसलिए हम ऑप्टिमल की बात करेंगे। प्राइमल का अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो सिंप्लेक्स मेथड से अगर आप सॉल्व कर लेते हो और इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हो प्राइमल का, तो उसी टेबल में जीरो के अंदर आप उसको पिक करके कह सकते हो ये है ड्यूअल्स ऑप्टिमल ड्यूअल सॉल्यूशन। सिमिलरली आप इसको अगर सॉल्व करते हो सिंप्लेक्स मेथड से तो आप कह सकते हो कि ये आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो एम टेक्निक से हम यूज़ ऑप्टिमल सॉल्यूशन ड्यूअल का हमने कैलकुलेट कर लिया, और उसी की जो डब्ल्यू रो है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आप कहेंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल है। तो आप देखें आपके पास प्रॉब्लम प्राइमल है या ड्यूअल है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको किस तरह से सॉल्व, किसी एक को सॉल्व कर लें दूसरा ऑटोमेटिकली उसी के अंदर से ऑप्टिमल निकल सकता है। अगर आप देखें इसी सेम प्रॉब्लम को मैंने ड्यूअल के साथ देखा, तो देखें आइट्रेशंस कंप्यूटेशनल कॉस्ट आप देख सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप समझते हैं कि ये प्रॉब्लम की कंप्यूटेशनल कॉस्ट अगर कम है तो इसका ऑप्टिमल निकालें तो ड्यूअल उधर से एक्सटेंड कर लें, अगर इसकी ऑप्टिमल कॉस्ट आपको कम लगती है तो इस सिंप्लेक्स मेथड इधर अप्लाई करके इसको सॉल्व करें, और इसको सॉल्व करने के बाद उधर से प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट कर ले। तो आपके पास ये आपकी अपनी चॉइस है। अब तक के लिए इतना ही।